इसका संदर्भ जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी एक जो मुहिम है उसके संदर्भ में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये कार्रवाई है ड्रग्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, इनके खिलाफ जो पिट NDPS की कार्रवाई है वो सतत जारी है और लगातार चल रही है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में जम्मू पुलिस ने करीब करीब 33 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो आज जम्मू बस स्टैंड के इलाके से बरामद की है। जम्मू बस स्टैंड को एक सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में एक बैग के साथ कोई वस्तु जो कि काफ़ी भारी मात्रा में है वो लेकर कहीं बॉर्डर इलाके से बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं। तो लिहाजा जब वहाँ पर नाकाबंदी की गई और जब हमने सर्च की तो दो एक संदिग्ध व्यक्ति हमने उसमें से गिरफ्तार किया। उससे जब तलाशी ली गई तो उस सामान की जब हमने शिनाख्त की, उस सामान की हमने नवीयत पता की वो किस तरह की चीज़ है, तो हमें ये पता लगा कि बेसिकली वो एक बहुत ही उम्दा किस्म की हीरोइन है और करीब करीब 33 किलो उसका वेट है और करीब करीब उसकी जो एक मालियत के हिसाब अगर हम कहें तो 33 करोड़ तो बनती है बट उसकी मालियत ज़्यादा भी हो सकती है इस संदर्भ में। और इसमें अभी हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है और बाकी अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन चूँकि जारी है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे जम्मू प्रांत के सभी ज़िलों में हमने एक मुहिम और भी शुरू की है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो कि ड्रग पेटलर्स से जो इन्होंने ड्रग के संदर्भ में प्रॉपर्टी एक्वायर की है उस पैसे से उसकी भी हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सारे ज़िलों में की है। तो पुंछ के ज़िले में करीब करीब 40 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। रजौरी में करीब करीब 4 करोड़ के आसपास की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। कठुआ में करीब 70 लाख, सांभा में करीब करीब 1 करोड़ और रियासी में करीब 24 लाख और जम्मू में करीब करीब 8 करोड़ के आसपास। तो कुल 14 करोड़ के आसपास मालियत की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो भी हाल में अटैच हुई हैं। और अभी चूँकि ये जो केस है इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है तो लिहाजा इसमें भी फर्दर आगे और कार्रवाई की जाए। ये अभी ये जो एक्यूज हमने गिरफ्तार किया है ये पंजाब से है और अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है इस केस में भी जारी है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये देखने में आ रहा है कि ये सामान जो है एक बॉर्डर इलाके से कहीं से लिया है। अब यही शिनाख्त करनी है कि वो किस इलाके से और किसने दिया है सामान। अभी इसकी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी और भी पता लगेगा कि ये पूरा ग्रुप क्या है और इतनी ज़्यादा तादाद में जो हीरोइन आई है वो आई कहाँ से और ये कहाँ जाना था उसको ये नहीं अभी पता है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है चूँकि अभी हम नहीं कुछ कह पाएंगे लेकिन चूँकि ये सीजर हुआ है तो ये हमारी बड़ी कामयाबी रही कि नहीं अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। बालिग नाबालिग तो इन्वेस्टिगेशन